टीआई जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों केमिस्ट्री में रेडियो सक्रियता तत्व के चैप्टर में आज मैं तीसरी क्लास लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी तत्व से जब अल्फा किरण निकलती है तो नवनिर्मित तत्वों के परमाणु में क्या परिवर्तन होता है, उनके परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन होता है तथा उनके परमाणु भार में क्या परिवर्तन होता है उनको देखते हैं। सपोज कीजिए एक यूरेनियम तत्व है जिसका परमाणु संख्या 93 है, ये परमाणु संख्या हो गया। यहाँ पे परमाणु संख्या दिया हुआ है आपको 92, ये परमाणु भार है। परमाणु भार 238 है और इससे एक अल्फा किरण निकल रहा है तो यहाँ कौन सा तत्व बनाएगा? आपको पता है कि किसी भी तत्व से अगर एक अल्फा किरण निकलता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। तो जब यहाँ 2 की कमी होगा और यहाँ परमाणु भार में कितना का कमी होता है? 4 की कमी होता है एक अल्फा किरण निकलने से। परमाणु संख्या में 2 की कमी जबकि परमाणु भार में 4 की कमी होता है। तब देखते हैं ये क्या बनाएगा। जब यहाँ 2 की कमी हो गया, अभी ये 90 है, तब नया परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? नया परमाणु संख्या 2 की कमी होता तो 93 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। परमाणु भार कितना हो जाएगा? 238 - 4 बराबर 234। क्लियर? तो यहाँ पे ये कौन सा तत्व बनाया? तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इसके जरा ये क्या बनाया, थोरियम 90 - 234 यही तत्व बनाया। अब एक दूसरा लिए हुए हैं, सेम सवाल है, 226 परमाणु भार है और 88 परमाणु क्रम वाला कोई एक तत्व है और उससे इस बार हम 2 अल्फा किरण निकाल रहे हैं। इस प्रकार दिया हुआ है, मान लीजिए कोई एक्स ये हो गया 226 और ये 88, इस बार कितना निकल रहा है? 2 अल्फा किरण निकल रहा है। जब 2 अल्फा किरण, एक अल्फा किरण में कितना होता है? 2 परमाणु संख्या की कमी। तो जब 2 परमाणु संख्या की कमी होती है 2 निकल रहा है तो 4 हो जाएगा और इसमें परमाणु भार में एक अल्फा किरण निकलने से 4 की कमी होता है। जब यहाँ 2 अल्फा किरण निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? 8 की कमी हो जाएगा। तो नया परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? नया परमाणु संख्या तो नया परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ये 88 - 2 अल्फा किरण है तो 2 × 2 करके लिख देंगे 88 - 4 84। उसी प्रकार नया परमाणु भार कितना होगा? 226 - 4 × 8 226 - 8 8 1
200 कितना हो जाएगा? 18। क्लियर। अब देखते हैं तीसरे टाइप का। यहाँ दिया हुआ है एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 232 तथा परमाणु संख्या 90 है। ये दो बीटा कण उत्सर्जित करने के बाद कितना अल्फा कण उत्सर्जित करे कि प्राप्त नए तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या 212 तथा परमाणु क्रमांक 82 हो जाता है। तब हम देख लेते हैं कि इसमें इस बार दिया हुआ है अल्फा कण निकालने के लिए और इस बार दो बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है और नया तत्व का द्रव्यमान, जो नया तत्व बन रहा है उसका द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक भी दिया है। देखिए ऐसे सवाल को हम कैसे बनाते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। अब देखिए कोई नाभिकीय रिएक्शन होगा, पहले शुरू में दिया हुआ ऐसा मान लीजिए परमाणु संख्या 90 है, ये 232 है, ये पहले दिया हुआ है शुरुआती में। फिर ये नाभिकीय विखंडन होने के बाद अब ये क्या बना रहा है, ये कोई y बनाया नया तक, ये है 82 और ये 212 है। अब आपको पता है ये अल्फा कितना निकालेगा, अल्फा मान लीजिए कि हम x मान लीजिए x निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि ये h के समान बनाता है, ये बना, और आपको बीटा पता है कि इलेक्ट्रॉन के समान बना रहा है, तो 2 3-1 ऐसा बनाएगा। क्लियर। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ परमाणु भार का तुलना कर रहे हैं। परमाणु भार का तुलना कर रहे हैं, 232 इज इक्वल टू हो जाएगा 212 और प्लस परमाणु भार का तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x और प्लस इसका क्या हो जाएगा परमाणु भार का तुलना करेंगे तो इससे 2 × 0 इससे, तो फिर या x गुना 4 किए तो 2 × 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 232 इज इक्वल टू 212 4x बराबर इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस कर देगा तो 0 20 इक्वल टू 4x, जब इसको x इज इक्वल टू निकाल लिएगा तो 20 वर्ट 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो x का मान मतलब ये कितना अल्फा कर निकालेगा, तो अल्फा कर की संख्या हो गया, अल्फा कर की संख्या बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है। इस सवाल में कह रहा था कि पहले आपका ये दिया हुआ है परमाणु संख्या, ये परमाणु भार, ये होने वाला जो नया तत्व आपका बना रहा है वो 82 और 212 है परमाणु भार, परमाणु संख्या 82 एक नया तत्व बना दिया। अब इस बार कह रहा है दो बीटा निकल रहा है, देखिए दो बीटा निकाल दिए, आपको पता है तुलना में बता चुके हैं बीटा का सिंबल इस तरह था, दो बीटा निकाला, और ये अल्फा का बताए थे कि हीलियम परमाणु के समान ये नाभिक बनाता है, तो ये ऐसा बना है, लेकिन कितना अल्फा बना रहा है इसको निकालना है। हम इसको यहाँ पे मान लिए कि वो एक्स अल्फा निकाल रहा है, और इस समीकरण में हम क्या करिए परमाणु भार का यहाँ तुलना कर दिए, ये परमाणु भार का तुलना किए, परमाणु भार का तुलना करके निकाल दिए। थैंक यू क्लास, आज यहीं रहने दीजिए।